ठीक है भाई, ये आपको टेबल गिवन थी 45 से 55, 55 से 65, 65 75, 75 85, 85 95, और उसकी नंबर ऑफ सिटीज फ्रीक्वेंसी गिवन थी 3, 10, 11, 8, 3. फैन ऑन कर दीजिए भाई. तो अब आपके पास क्या है, आपने उसे वर्टिकल टेबल बना लिया और आपसे कह रहा है मीन निकालो, और अब मीन निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, और इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी सीखेंगे. तो फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे जो तीनों मेथड से होगा. तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें निकालना होता है मिड पॉइंट एक्स. तो जो आपको क्लासेस गिवन है, इन क्लासेस का मिड पॉइंट चाहिए. मिड पॉइंट क्या होता है, मैंने आपसे कहा है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करिए, डिवाइडेड बाई टू कर दीजिए. ये तरीका है, या तरीका यह है जो इन क्लास जो है और उसमें जो गैप आ रहा है 10 का, उस 10 का ले लीजिए हाफ. हाफ हो गया 5, उस 5 को लोअर लिमिट में प्लस करते चले जाइए. तो 45 प्लस 5 50, 55 प्लस 5 60, 65 प्लस 5 70, इस तरह से. अगर आप यहाँ देखेंगे सब में क्लास साइज जो है वो 10 का है, तो क्लास मार्क में जो गैप आएगा वो भी 10 का आएगा. तो नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली 80 आ जाएगा, नेक्स्ट वाला 90 आ जाएगा. चॉइस आपकी है, आपको क्या चीज समझ में आ रही है. ठीक है जी, अब ये हमारा मेन पार्ट होता है हमें एक्स निकालना. अब एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक डेटा को हम ए कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं. तो अच्छा होता है अगर मिड वाले को करें, करने को आप किसी को भी कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 50 60 70 80 90, किसी को भी सपोज कर लीजिए. लेकिन अगर बीच वाले को करेंगे थोड़ा इजी होगा. तो आप क्या करना है, एक्स में से ए को माइनस करना है, इसे डिफरेंस कहते हैं या डेविएशन डी कहते हैं. तो अगर 50 में से 70 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, माइनस का 20. 60 माइनस 70 माइनस 10, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20. ध्यान रखना जिसको आपने एज्यूम किया, ये हमेशा की कैलकुलेशन, जिसको आपने एज्यूम किया था वो हमेशा जीरो आना है. उससे ऊपर जो आपका क्लास साइज है, क्लास साइज आपका 10 है, उससे ऊपर 10 के मल्टीपल्स आने हैं 10, 20, 30 माइनस में, और नीचे 10 के मल्टीपल्स आने हैं प्लस में, 10, 20, 30 प्लस में. तो ये हमारे पास आना है. अब हमें सीधा सीधा सा क्या करना होता है, हमें करना होता है एफ इंटू डी. मैं हमेशा यही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अब आपको क्या करना है, क्लास वाला जो है उसको आप रब कर लीजिए या उसके ऊपर स्केल रख लीजिए कि उसको नहीं देखना है, और जो एक्स है उसको भी नहीं देखना, उसका काम खत्म हो चुका है. अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो देखना है वो एफ इंटू डी को देखना है, बस इन्हीं दोनों पे आपकी नजर होनी चाहिए. तो 3 2 6, तो 3 2 6 का मतलब है 60, एंड 10 10 100, और 11 0 0, और 8 10 80, और 23 60. तो ये हमारे पास आएगा, जो मैंने आपको पहले समझाया था. मुझे क्या करना है कि माइनस वाले अलग ऐड करने हैं, प्लस वाले अलग ऐड करने हैं, फिर देखना है क्या बचा. लेकिन मैं आपसे उसका भी शॉर्टकट कहता हूँ कि भाई ये 60 प्लस में है और ये 60 माइनस में, जीरो हो गया, कहानी खत्म. और ये 80 प्लस में है और ये 100 माइनस में है, तो बचा कितना भाई, माइनस 20. तो बस यही आंसर है, जरूरत क्या पड़ी थी सबको प्लस प्लस करने की. तो हमारा सिग्मा एफ डी जो होगा माइनस 20 आए. अच्छा, सिग्मा एफ हमें करना होता है, सिग्मा एफ टोटल, तो 3 8 11, और 11 8 11 22 32 और 35. तो अब मुझे सब बच्चे बताओ, क्या यहाँ तक सबकी कैलकुलेशन सही थी? हो सकता है आपने ए किसी और को लिया हो, ये तो मान सकता हूँ मैं, लेकिन आपके पास सिग्मा एफ इतना ही आएगा 35 सब बच्चों का. तो अब हमारे पास जो बार एक्स आएगा उसका फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ प्लस ए. ये बस, तो सिग्मा एफ डी था हमारे पास माइनस 20, सिग्मा एफ आया हमारे पास 35, और ए हमने एज्यूम किया था 70. मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए, इसका एलसीएम नहीं लेना है. 5 से आएगा 4 और 5 से आएगा 7. आप एलसीएम लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी. तो माइनस 4/7 प्लस 70, तो 7 से कर दीजिए डिवाइड. पॉइंट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा 40. 7 5 जा 35, 5 आएगा तो 7 7 जा 49, तो 70 में से 57 माइनस कर दीजिए तो 69 पॉइंट, ठीक है, 60 हो गया नियर बाई, 33 या 34 इसका आंसर आएगा, इतना आंसर आएगा. तो कुछ बच्चों ने 70 प्लस आ रहा है तो वो वहां गलती ये कर ली होगी कि माइनस की जगह प्लस ले लिया होगा. सबको समझ में आ गया या नहीं आया? यस सर.
ठीक है, देखो अब इसको तीनों मेथड से भी ले लेते हैं एक तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया एज्यूम मीन मेथड, अब हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी लेंगे और इसको स्टेप डेविएशन से भी मेथड से भी लेंगे। अब एक नया वाला मेथड लेते हैं। होता क्या है स्टेप डेविएशन मेथड में, होता क्या है, पहले इसको स्टेप डेविएशन से ले लेते हैं, या मैं इसको पहले स्टेप डेविएशन से और फिर तीनों मेथड से लेता हूं।